हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ जो कि मैं पपीता से बनाने वाली हूँ। तो आप तो बहुत टाइप का चोखा खाए होंगे, तो आज मैं आप लोग को पपीता का चोखा बना के दिखाऊँगी या भरता। तो चलिए पहले पपीता को काट के ग्रेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं पपीता को मैं अच्छे से उसका छिलका निकाल के काट ली हूँ, और उसके बाद ये जो ग्रेटर के मदद से इस तरह सा बारीक से मैं कद्दूकस कर ली, ग्रेट कर ली, जो भी आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बड़ा साइज का जो पपीता उसको ले रही हूँ। उसके बाद एक कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें एक प्याज को फ्राई करेंगे। तो प्याज देखिए गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और जो हम लोग ग्रेट करके रखे थे ना पपीता को, उसको ऐड कर देंगे। तो ये जो पपीता का भरता है ना, बहुत ही जल्दी झटपट बन के रेडी हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट है खाने में। आप लोग ज़रूर बना के खाइएगा। बहुत सारे लोगों को पपीता पसंद नहीं होता है। आप लोग इस तरह से कभी बना के अगर उन लोगों को खिलाएंगे तो उन लोग बहुत ही पसंद करेंगे। तो चलिए इसमें और कुछ पाउडर वाला मसाला ऐड करते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा मिर्चा पाउडर, अपने हिसाब से जितना तीखा खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप मिर्चा पाउडर लीजिएगा, और उसके बाद धनिया पाउडर, जीरा पाउडर सब दे के उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसको बनने में कम से कम 10 मिनट टाइम लगता है, और मीडियम आंच में इसको पकाएंगे और बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट भी हो जाता है। तो चलिए मैं सारे मसाला को यहाँ पे ऐड करती हूँ और अच्छे से मिक्स करके इसको ना ढक्कर लगा के मीडियम आंच में कुक करेंगे। और ये जो पपीता का भरता है, आप रोटी पराठा, चावल, पूड़ी सबके साथ आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये पपीता का भरता है। तो देखिए यहाँ पे इसमें मैं स्वाद अनुसार अभी नमक ऐड कर रही हूँ, और ज़्यादा जलाएंगे नहीं इसको, धीरे धीरे पकाएंगे तब जाके ये अच्छे से कुक हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये कितना अच्छे से कुक हो गया है, देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट। तो लास्ट में एक चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और हमारा जो पपीता का भरता है बन के रेडी हो गया है। तो आप लोग ज़रूर इसको घर में बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग को कैसे लगा। आइए, पचकर रेसिपी आप लोग को अच्छा लगा होगा।